स्वाति पटेल मामले में अब सांसद प्रिंस राज पर FIR हो गया है। बता दी कि इसको लेकर जो चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले से चिराग पासवान का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, मामला कानून का है, अब कानून पे कार्रवाई करे या क्या कुछ है जांच का विषय है। लेकिन बता दें कि उसमें चिराग पासवान का भी नाम आया है कि उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने के लिए धमकी तक दी है। पहले सुनिए प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा है। देखिए मामला बहुत पहले से था और FIR हो गया है तो जो दूध का होगा पानी का पानी होगा वो अपना कानून अपना काम करेगा, इसमें क्या दिक्कत। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नाम चिराग पासवान का भी उस वक्त उनके संज्ञान में। आप लोग पहले FIR पढ़िए, आप लोग शायद पढ़े नहीं है, मैंने FIR को पढ़ा है। उनका ये कहना है कि मैंने चिराग पासवान जी के यहाँ मैंने गुहार लगाई थी और चिराग पासवान जी ने अपने MP को उस समय जो हमारे उस समय दल में थे, अभी तो हमारे दल से निकाले जा चुके हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोगों का दोनों का अंदरूनी मैटर है, क्या मैटर है उनको जानकारी नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से कहते कि आप लोग मैटर हल करिए, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद सजेशन किए थे कि आप लोग कानून का सहारा लीजिए तो कानून अपना काम करेगा। उनके संज्ञान में तो था ना ये बात, और संज्ञान में कब आया जब मैडम बहुत दिन के बाद वो जो हमारे यहाँ महिला थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताई तब संज्ञान में आया। क्या लगता है प्रिंस राज पे जो कार्रवाई हुई है क्या उम्मीद है? अब तो उम्मीद क्या है भाई, कानून, अब हम तो सुपरविजन अथॉरिटी है ना, भारत में संविधान है और कानून है तो कानून के तहत पुलिस अपना काम करेगी, उसमें इतना यदि दूध का दूध पानी पानी होगा, अगर गलती के होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं गलती की बात करेंगे उम्मीद है। नहीं इस मैटर में भाई के बैठने की बात क्या है इसमें, मान लीजिए अगर हम कोई गलती करें तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी इन्वॉल्व है, हम गलती करेंगे उसकी सजा के भुगतान वाले हम होंगे न कि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस बारे में कोई जानकारी थी मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ और महिला ने भी एक्सेप्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई जानकारी नहीं थी। धमकी देने की आप इसीलिए मैं आप इसीलिए मैंने पहले बोला हूं कि आप लोग FIR पढ़िए, आप लोग शायद FIR पढ़े नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि राष्ट्रीय हम चिराग पासवान जी इसमें देरी किए तो आप स्पष्ट रूप देखिए प्रिंस राज जी थाने में गए हैं बहुत पहले, जब प्रिंस राज जी थाने में चले गए तो उनको जाना चाहिए ना। अब हमारे इशारे तो भारत में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसके तहत कौन दोषी है कौन नहीं दोषी होता है इसमें हमारे समझ से कानून अपना काम कर रहा है। कि चिराग पासवान से इसे कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। भाई साहब FIR पढ़िए आप उसका तब ये चिराग पासवान जी से कोई मतलब नहीं, किसी से क्यों मतलब रहेगा, मान लीजिए हम गलती करेंगे उसके भुक्तभोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी होंगे, चिराग पासवान जी थोड़ी होंगे, अगर मैं गलती करूंगा तो उसका भुगतने वाला मैं ही हूँ। लेकिन महिला का आरोप है कि धमकी दिए हैं चिराग, इन सब बातों का जिक्र किया गया। आप कहीं इस टाइप का कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कहीं उन्होंने आरोप FIR में नहीं लगाया है, मैं FIR पढ़ा हूँ। आपने सुना राजीव तिवारी को जिन्होंने साफ तौर पे उस तमाम जो आरोप लगे हैं उसको खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान के मामले जब संज्ञान में आया था तो उन्होंने मीडिया में बातें रखी थी, उसके बाद तमाम बातें हुई, लेकिन अब बात प्रिंस राज से जुड़ा हुआ है, आरोप उन पर लगा है, FIR उन पर लगा है, तो कानून पर कार्रवाई करेगी, जाँच करवाए, जो कुछ करना है कानून का काम है। लेकिन इस पूरे मामले में चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामले में चिराग गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं LJP के राजू तिवारी, उन्होंने पूरे मामले को लेकर खारिज किया है जो भी आरोप लगे हैं। देखते रहे लाइंस बिहार, नमस्कार।